हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले तो सो सॉरी, जो कल एक सेट डाला था वो हम लोगों ने चेक भी किया था कि रियल है या फेक है, बट अब ये जो पेपर आ गया है 11वीं का सुबह सुबह 4 बजे, वो पूरा रियल आ गया है, कंफर्म हो गया था। एंड मैंने आपको रात को ही बता दिया था कि सुबह जल्दी सोकर उठ जाना है। गाइस फाइनली पूरी रात मेहनत करके वीडियो बनाई, मतलब सॉल्यूशन बना लिया है, एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हेल्प भी की है, मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स ने भी हेल्प की है ना। बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया आप सभी ने, बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया है। सच में जितना एक्सपेक्ट मैंने किया था उससे कई गुना ज़्यादा सपोर्ट दिखाया है। एंड सॉल्यूशन की जो वीडियो मिलेंगी आपको पार्ट बाई पार्ट मिलती रहेंगी, ठीक है। अब उसमें आपको दूसरे सर सॉल्यूशन देंगे तो उनके साथ कॉपरेट करना, ठीक है। ये तुम लोगों का पेपर रहा, एक एक करके हम दिखाते चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है त्रैमासिक परीक्षा 2023 कक्षा 11वीं विषय गणित, ये पूरा पेपर है, 3 घंटे का पेपर है। पहला क्वेश्चन, किसी रक्त समूह ऐसे टीटा में बराबर होते हैं, तो इसमें बताना है। उसके बाद फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स कहलाता है, क्या कहलाता है? तस्मक फलन, अचर फलन, मापांक फलन, चिन्ह फलन, ठीक है। रही बात सॉल्यूशन की, तो डोंट वरी, सॉल्यूशन इज ऑल्सो बी रेडी, बस तुम लोग सपोर्ट करते चलो। फटाफट से सब्सक्राइब करो, अभी जाओ सब्सक्राइब करो। जो ब्लैक ब्लैक आ रहा है ना, SUBSSKRIV, क्या स्पेलिंग है, ठीक है, SUBSCRIV, ये है जहाँ तक, ठीक है। कमेंट वगैरह नहीं करना है तुम लोगों को, सिर्फ सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब बस यही बहुत है, ठीक है। क्योंकि बाकी अभी बहुत सारे पेपर्स बचे हैं ना तुम्हारे, मतलब अर्धवार्षिक फाइनल और फिर 12th भी है अभी मेन, ठीक है। तो अभी तो हमें ये फोकस करनी है कि कल का मैथ का पेपर भैया हमें फोड़ के देना है बिल्कुल तरीके से, ठीक है। तो ये तुम लोगों का रहा यहाँ पे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा 3 पे b-2 पे a+1, 1, ठीक है। ये तुम लोगों का तीसरा क्वेश्चन रहा, ठीक है। इसके बाद तुम लोगों का आ जाएगा चौथा क्वेश्चन, 450 डिग्री का रेडियन माप क्या कहलाता है, फिर i15 का मान क्या होगा, फिर i-3 - 4i का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग रिक्त स्थान पर, रिक्त स्थान तुम लोगों के ये टोटल रहे, ठीक है, रिक्त स्थान ये तुम्हारे पूरे रहे। और हाँ, इस वीडियो में पूरा क्वेश्चन पेपर आपको दिखाने वाले हैं, कोई पार्ट डिवाइडेड नहीं होंगे। पार्ट सॉल्यूशन के लिए वो अलग से, जब अपन लोग 6th 7th का सॉल्यूशन करेंगे तो उसके लिए पार्ट जरूरी है, लेकिन अभी तुम लोगों को सिर्फ ये रियल पेपर पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। अभी तुम्हारे पास 4 से सीधे सीधे कितने पूरे, अब देख सकते हो कि कितने घंटे बचते हैं तुम्हारे पास, देखो 6 से 12 6 घंटे हो गए, और फिर उसके बाद 2 घंटे, तो 8-9 घंटे, तो 8 घंटे तो है ही हैं, ठीक है। 8 घंटे नहीं तो मानो 7 घंटे तो है ही, एंड 7 घंटे में तुम लोग 22 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से रट सकते हो, जिसमें से ऑब्जेक्टिव तो तुम्हारे हो ही गए। 2-2 नंबर के में कुछ रहता नहीं, 3-3 वालों का कॉन्सेप्ट, 4-4 नंबर वालों का कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, 2 घंटे में काम खत्म हो जाएगा। बस क्वेश्चन तो वैसे मैं भी दिखा रहा हूँ, सॉल्यूशन भी कंप्लीट करा दूंगा, तो डोंट वरी, बहुत अच्छे से सॉल्यूशन करा दूंगा, ठीक है। ए या बी में कोई भी अपरिमित समुच्चय, ये यहाँ पर अभी हमें रिक्त स्थान देखने हैं, ठीक है। ये तुम लोगों के रिक्त स्थान रहे, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिक्त स्थान रहे, बहुत इजी वाले रिक्त स्थान है, ठीक है। सॉल्यूशन मीन का कंप्लीट ही होने वाला है, बस तुम्हारा ये समझो कि 4 बजे ये वीडियो आई, 4:30 पे तुम्हारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो सोचा कि 4 बजे की हमारी बात हुई थी भैया और स्टूडेंट्स की डील हुई थी कि भैया 4 बजे वीडियो आनी है, तो आनी है, ठीक है। अब तुम लोगों को यही करना है कि बस भैया को जिस प्रकार से सपोर्ट कर रहे हो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना है, ठीक है। व्हाट्सएप टेलीग्राम सब जगह जुड़ जाओ। अब देखो वैसे भी पेपर ये लास्ट ही है, ठीक है, लेकिन तुम्हें जुड़ना ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ अब ग्रुप फुल हो जाएंगे तो फिर क्या पता ग्रुप में एंट्री भी बंद हो जाए, क्योंकि हमारे 3-4 ग्रुप वैसे भी फुल रखे हैं, तो फिर पता नहीं एंट्री हो पाती है, लिंक भी डिसेबल हो जाती है जहाँ तक। फिर आ जाते हैं ये सत्य 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 भी तुम लोगों को कंप्लीट कर लेने हैं, ये पूरे हैं, ठीक है, वीडियो रोक रोक के देख सकते हो। उसके बाद सही जोड़ियाँ हैं, सही जोड़ियाँ में तुम लोग बोलोगे भैया ये क्या भूल भुलैया बनाई रखी है, ना तो हमें समझ में आ रहा है ना तो आपको समझ में आ रहा होगा, आई नो, ठीक है। तो ये हमें जहाँ से पेपर मिले हैं वो उन्हीं की कारतूत है यार, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें पेपर से मतलब है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग अपना पेपर ही देखेंगे, हमें और सब चीज़ें नहीं देखनी है। तो ये तुम्हारे देख लेना है, 10θ sin 90-θ 180 डिग्री, ठीक है, sec 90-θ, एंड बस यही चीज़ें हमें देख लेनी है। फिर उसके बाद आ जाती है हमारे एक शब्द, मतलब एक समुच्चय, यदि समुच्चय ए में 4 अवयव हैं तो समुच्चय ए, यदि समुच्चय ए में 4 अवयव हों तो समुच्चय ए में कितने उप समुच्चय होंगे, ठीक है। पहले चैप्टर से तुम्हारे, मतलब ऐसा समझ लो कि भर भर के ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, ठीक है। एक फलन एफ एक्स इक्वल टू -5x+6 द्वारा परिभाषित है, तो f-3 का मान क्या होगा, ठीक है, सीधे सीधे x का मान हमें रख देना है, x का मान निकालना है, फिर उसके बाद f एक की भी निकल जाएगा। 1 डिग्री में कितने सेकंड होते हैं,
तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये तो तुम्हें बुक से मिल जाएगा, ठीक है। ये थोड़ी बाकी आधे क्वेश्चन तो तुम्हें डायरेक्ट थ्योरी थ्योरी मिलने वाले हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो 2 नंबर में भी तुम्हें सीधे सीधे पूछ लेगा, तुम्हारे डायरेक्ट डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ लेगा कि ये बताओ ये बताओ, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा, सीधे रोस्टर रूप वगैरह भी पूछेगा, ठीक है। आई माइनस 37 ये हो गया, फिर सामरिक संख्याएं का -3 + i का मापांक क्या होगा, ये आ गया है हमारा समीकरण। x² + x - 2 = 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए, तो ये वाला आ गया है, तो ये भी ठीक है, इजी इजी है सभी, ठीक है। ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी कि पिछले 2017 में जैसा भाई पेपर बना था ना, भगवान करे वैसे किसी को नहीं बने, और 2023 में मतलब हाँ दो इसी साल का फिजिक्स का पेपर तुम लोगों का यार बहुत टफ बना था, लेकिन कोई नहीं इस बार इजी बनेगा जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है ना। मान लीजिए कि किसी एक समतल की स्थिति सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय यू है, यदि ए में उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है तो जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री के भिन्न है, तो ए डैश क्या होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन तुम लोग स्क्रीनशॉट लेते चलो यार, स्क्रीनशॉट के बिना काम नहीं चलेगा, स्क्रीनशॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, तो स्क्रीनशॉट बिल्कुल रुकने नहीं चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं पढ़ पढ़ के तो बताऊंगा नहीं, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल यार हिंदी लिखी होगी का खा गा, है ना, कि यार ऐसा ऐसा कि ऐसा, है ना, तो वो सब तो लिखी नहीं है कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन पढ़ पढ़ के सुनाना है। जैसे मान लो तुम्हारा कुछ भी होता है, केमिस्ट्री होता है, तो उसमें हम लोग कुछ भी पढ़ के सुनाते हैं कि बताओ आयनन एंथोलॉजी तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता को समझाइए, पी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, तो ये क्वेश्चन है यार, अब हम कैसे बता दें कि ये पढ़ पढ़ के, ठीक है। अगर मान लो हम कोई क्वेश्चन होता तो जैसे केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन होता तो हम वो पढ़ के बताते कि क्वांटम संख्याओं के आधार पर सिद्ध कीजिए ये ऐसा ऐसा है, तो ठीक है। अब ये तो रही मैथ्स, तो मैथ्स में हम क्या से बता सकते हैं, ठीक है यार। अब चलो हमें देखना है कौन सा, कि क्वेश्चन नंबर 8वां भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 9वां भी हो गया ना, चलो हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 sin 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, sin 40 डिग्री और 20 रेडियन के माप को बदलिए, माप में बदलिए, 40 डिग्री 20 रेडियन को माप में बदलना है हमें, 12 रेडियन को डिग्री में माप में बदलना है। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, रेडियन को माप में, वो रेडियन को डिग्री में बदलना और डिग्री को रेडियन में बदलने में काफ़ी ज़्यादा हद में क्वेश्चन ये आते हैं। साथ में cos 75 का मान ज्ञात, ये cos sin 10, ये भी मतलब 10 ज़्यादा आता है, जहाँ तक cos sin 10, हाँ 10 ज़्यादा आता है, ठीक है। कॉसिक से कॉट, ये कॉट भी आ जाते कभी कभी, लेकिन कॉट देखो जैसे यहाँ पर आया, लेकिन ये कभी कभी में ही आता है, बट इस बार आ गया, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर पंद्रह भी देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा वाला अगर तुम लोग करोगे तो ज़्यादा सही है, गुणात्मक प्रतिलोम से हमें ज्ञात कर लेना है, ज़्यादा इसमें वो दिक्कत नहीं है, मतलब चिल्लम चिल्ली नहीं है, ठीक है, मतलब ईजिली सॉल्व हो जाएगा यार तुमसे, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है, समयुग्मी ज्ञात करना है, और उसमें डायरेक्ट ही समीकरण दिया है, ये कैसे सॉल्व होगा, 3 25 √i 18, ठीक है, ये थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 नंबर में है पेपर, ओ शिट। चलो अब क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हल करना है हमें ये, तो क्वेश्चन नंबर 14 का तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का स्क्रीनशॉट ले लो, पूरे पूरे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ यार, ये देखो दो दो नंबर के हैं, ये तीन, क्वेश्चन नंबर 15 तक हमारे कितने दो दो नंबर के हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 समुच्चय का एक 3 नंबर का क्वेश्चन आने ही आना है, चाहे तुम फाइनल में ले लो, चाहे अर्धवार्षिक में ले लो, चाहे वार्षिक में। गाइस नींद बहुत ज़्यादा आ रही है यार, अब बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए यार, कि तुम और तुम्हारा रिजल्ट मुझे अच्छा चाहिए, यही चाहिए, ठीक है। तो बढ़िया से हमें रिजल्ट चाहिए, बढ़िया से तुम्हारे नंबर चाहिए, और बढ़िया से अब आगे चल के पढ़ाई भी करनी है, कि हमें ये भरोसे ना रहना पड़े। बाकी भैया तो मदद करते हैं एंड ऑफ द एंड टाइम पे, देखो ये वैसे उतना वो भी नहीं है, लेकिन एंड टाइम पर मदद कर देते हैं, बाकी साल भर तो तुम्हें पढ़ना ही है ना, पेपर बस से तो कुछ होगा नहीं और होता भी नहीं है, अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना तो पेपर भी तुम्हें पास नहीं करवा सकता, गारंटीड है। काफ़ी बच्चे मेरे साल पिछले साल गए तो कुछ नहीं पढ़ते थे, पेपर के भरोसे चले जाते थे, ऑब्जेक्टिव भी उन्हें याद नहीं रहते थे, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ पहले कभी पढ़ी नहीं है, और वो ऐसे ही रटेंगे 1 घंटे 2 घंटे पहले रटेंगे, या 4 5 घंटे पहले रटेंगे, तो देट आर नॉट चांसेस कि यार उन्हें कुछ याद हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, जब तक साल में पढ़ेंगे नहीं तो नहीं होगा यार कभी भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, फिर क्वेश्चन नंबर आपको 18, एंड देन हम आ जाते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, क्वेश्चन नंबर 19। यार काफ़ी लेंदी पेपर होने वाला है तुम लोगों का, सच्ची बता रहा हूँ, सच में बिल्कुल
क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है 20 के दोनों ही सही है, ठीक है क्वेश्चन नंबर 21, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, फिर उसके बाद ये आ जाता है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर तुम लोगों की पीडीएफ पूरी तरीके से ख़त्म होती है। होप सो तुम लोगों को वीडियो भी पसंद आई होगी, ठीक है बढ़िया है, और बस सपोर्ट करो वीडियो को जितना ज़्यादा फैला सको दोस्तों में। बोल रहे होगी भैया इतना स्लो स्लो सोच सोच के क्यों बोल रहे हो, जस्ट बिकॉज कि फ़ोन की भी हालत ख़राब ही होने लगी है, पता नहीं क्या ही क्या। चलो ठीक है, अब बाकी बैटरी भी बहुत कम बची है हमारे में, तो टाइम भी जाने क्या ही बता रहे हैं। चलो कोई नहीं गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की वीडियो देखने के लिए। सॉल्यूशन आ रहा है, जस्ट रेडी रहना, ठीक है।